हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं तीखा चटपटा प्याज की परोठा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज, इसे एकदम पतला लंबा लच्छेदार कट लें, तेल। अब गेहूं के आटे में इसे मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, तेल डालें, घी यहाँ पे नहीं डालना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पानी डालकर डो तैयार करेंगे। डो सॉफ्ट ही बनाएं, कड़ा डो नहीं बनाएं। कड़ा डो बनाने से प्याज को जो स्टफ करेंगे वो बाहर निकल जाएगा। इसे पीछे के हथेलियों से प्रेस करें और ये फाइनली मेरा डो बनकर रेडी हो गया। इसे 5 मिनट रेस्ट तक छोड़ दें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, रेड मिर्च, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता, सभी को अच्छी तरह से मिला लें। नमक स्वाद अनुसार, नमक लास्ट टाइम में ही डालें, नहीं तो नमक पहले मिला देंगे तो इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा, अब पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा आटा ले लेंगे, इसे गोला बना लें। इसे आटा, सूखे आटा लगाकर राउंड शेप में बेल लेंगे। बड़ा ही रोल करना है क्योंकि इसमें प्याज स्टफ करेंगे, तो प्याज का स्टफिंग स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे बनाएं, इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें बीच में डालकर इसे प्रेस कर दें। और शुरुआत में इसे हाथों से प्रेस करके फैलाएं, फिर सूखे आटा लगाकर इसे रोल करेंगे। पहले आप रोल करेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए हाथों से अच्छी तरह से सेट कर लें। इसके बाद धीरे धीरे इसे बेलेंगे। तो ये एक मेरा पराठा रेडी हो गया तलने के लिए। अब दूसरा भी, दूसरे तरीका से हम आपको एक बताते हैं। अगर आप उसे प्याज फटने का डर है तो एक रोटी रोल कर ले और उस पर स्टफिंग करके प्याज ऊपर से एक बेल कर रख दे। अब फोक से किनारे से इसे इस तरह से प्रेस कर दे, इसे बाहर प्याज नहीं निकलेगा और आसानी से बन जाएगा। अब दो तरह से यहाँ पराठा आपको बता चुके, अब चलते हैं पकने के तो प्रोसेस में। तवे को गर्म कर लें, इसमें तेल डाल दें और सावधानी से पराठे को डालें। अब इसे 1 मिनट बाद पलट दें। दोनों तरह से इसे अच्छी तरह से सेक लें। और ये मेरा एक पराठा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा आपको सेक कर दिखाती हूँ। इसे बीच में जो उठा हुआ भाग था उसे प्रेस करके सभी को समतल कर दें ताकि ये अच्छी तरह से सेकाए होगा इसका। इसे भी पलट दें और तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये फूल भी गया है, इसे स्पैचुला से प्रेस कर दें। अब इसे निकाल लेंगे। फाइनली मेरा परोठा बनकर रेडी हो गया है। ये हमारी सुपर टेस्टी प्याज और हरी मिर्च वाला मसालेदार पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसे थाली या प्लेट में सर्व कर लें। एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर। तो इसे जो फोक से बनाए थे इसका अंदर प्याज इस तरह से रहता है, आप देख सकते हैं। ये अभी बहुत ही गर्म है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये दूसरा, पहला वाला परोठा, मैं इसे भी तोड़कर आपको दिखाता हूँ अंदर का टेक्सचर इस तरह से रहता है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।